वेलकम बैक टू रूडी ब्लॉग्स। तो गाइज आज हम आपको लेके जाने वाले हैं राम झूला के तरफ, और अभी हम घूमने आए हैं, नाइट वॉक कर रहे हैं। खाना खाने के बाद हम आपको एक ट्रिप में लेके जा रहे हैं, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस ही कवर कर पाएंगे हम आपको जितना भी हम दिखाएंगे पूरे। अभी हम जस्ट हैं परमार्थ निकेतन के सामने, जो मेरे सामने आप बैक साइड में व्यू देख रहे हो, ये पूरा राम झूला का व्यू है गाइज। गाइज जो आप ये व्यू देख रहे हो एकदम राम झूला के क्लोज का है। ये देखिए कितने आलीशान यहाँ पे प्यारे प्यारे होम स्टे बनाए हुए हैं। ये देखिए गाइज हमारे ऋषिकेश की एक बहुत ही फेमस प्लेस है गाइज, और जब भी आप लोग ऋषिकेश में आओ तो ये जगह तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस जगह जरूर आप वॉक करने आइएगा शाम को या मॉर्निंग के टाइम। कैफे भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये स्काई कैफे नाम से कुछ है। और गाइज यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी आरती होती है जस्ट यहाँ पे सामने जो आपको मिडल में दिख रहा है। गाइज ये जो पुल देख रहे हो आप, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये जानकी सेतु पुल है हमारा ऋषिकेश का एक बहुत ही प्यारा लैंडमार्क। और उसी के साथ में ही हमारा ये देख रहे हो आप परमार्थ निकेतन। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ गाइज आपको, ये है परमार्थ निकेतन। गाइज आपको कभी मैं लेके जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ की आरती भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसी के सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है गाइज, ये वाला ब्रिज जिसमें LED सी लाइट्स लगी हैं, ये है हमारा राम झूला पुल। तो गाइज बीच रास्ते में हमें एक प्यारा सा ब्रिज मिला है, छोटा ही है काफी, और ये कुछ राफ्ट जो कि यहाँ से लोड होती है जब यहाँ तक आती है। यहाँ के बाद यहाँ पे ट्रैकर जाते हैं, उसको पिक करते हैं, फिर ये राफ्ट यहाँ पे रखते हैं ये थोड़ी देर के लिए जब तक उनकी गाड़ी नहीं आए। फिर यहीं से ये जो रोड देख रहे हो आप, यहीं से ऊपर शिवपुरी के लिए। तो ये राफ्ट का एक स्टेशन है यहाँ पर। अभी हम आपको आगे लेके जाने वाले हैं इस जगह। तो गाइज अभी हम जस्ट शत्रुघ्न घाट के एकदम पास आ गए हैं, और जो आप ये रेत देख रहे हो गाइस, ये सारा बारिश के टाइम पे नदी के साथ ऊपर तक आ जाता है घाटों के, ये देख सकते हो। और ये भी सीढ़ियाँ ही हैं जो आप देख रहे हो, ये पूरी रेत से ढक गई हैं। और इसी के जस्ट ऊपर है चोटी वाला रेस्ट्रो जो कि बहुत ही फेमस है हरिद्वार और ऋषिकेश में, चोटी वाला। और ये हमारा राम झूला का ब्रिज सामने, और यहाँ से एकदम सामने मेरे गीता भवन है गाइज। यहाँ की मिठाइयाँ, किताबें, कपड़े बहुत फेमस है। आपको जस्ट मैं वो दिखाने के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे, कहाँ पे शत्रुघ्न घाट है और कहाँ पे बहुत ही फेमस आरती होती है हमारे ऋषिकेश की। एक तो जस्ट सामने होती है परमार्थ निकेतन की, उसको भी मिस मत करना अगर आप लोग कभी ऋषिकेश आते हो। और एक ये यहाँ पे, यहीं से बोटिंग वगैरह शुरू होती है। अगर आपको इस तरफ से उस तरफ जाना हो तो आप बाय बोट भी जा सकते हो, और बाय ब्रिज भी जा सकते हो गाइज वॉक करके। बस मैं आपको शत्रुघ्न घाट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइज, ये जो सामने देख रहे हो इसी जगह पे वो आरती होती है गाइज, बहुत ही फेमस आरती होती है हमारे ऋषिकेश की। यहाँ पे दिखने में भी आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, बट जब आरती होती है तो उस टाइम माहौल ही कुछ अलग होता है गाइज यहाँ का। तो गाइज अब चलते हैं घर के लिए। और जो आप सामने ब्रिज देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, ये हमारा जानकी सेतु पुल, सीता माँ के नाम पे ये रखा हुआ है पुल का नाम। और इसी के सामने राम भगवान जी के नाम पे ब्रिज का नाम रखा हुआ है, और इसी के जो आगे है वो लक्ष्मण झूला। गाइज राम झूला के पास ही खड़ा हूँ, और गीता भवन के पास ही खड़ा हूँ, परमार्थ निकेतन के पास ही खड़ा हूँ, और शत्रुघ्न घाट के जस्ट बगल में मैं खड़ा हूँ। आप लोगों को एक चीज दिखाने, ये देखिए गाइज, ये किसी मेरे हिसाब से ऋषिकेश वाले लड़के का काम तो नहीं होगा। ये बाहर से जो लोग आते हैं वो जस्ट गंगा नदी के पास ही डिस्पोजल पड़ा है, और वोडका की बोतल पड़ी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो काफ़ी बार टूरिस्टों से हो चुका है ये सामना, उन लोगों को पता नहीं होता है कि ये गंगा नदी है। और यहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं है कि आप नदी के पास ही बैठ के पी लो,
इस नदी को, हम इसको बहुत स्पिरिचुअली, हमारी बहुत माँ के जैसी नदी है। और उसके पास इस, और जितना भी हमारा घर का काम होता है, जितनी पूजा वगैरह होती है, तो इसी जल से होती है। और यहीं पे अगर आप लोग ये अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करोगे तो लोगों की मार जरूर खाओगे। बहुत बार हो गया है इंसिडेंट इंडिया हमारे ऋषिकेश में। तो भूल के भी ऐसी हरकत मत करिएगा अगर आप लोग ऋषिकेश में आते हो। वोडका, दारू दूरू कुछ भी मत यहाँ पे यूज़ करिए। अगर आपको करना है अपने होटल में करिए, या फिर कहीं बाहर जाके करिए। ऋषिकेश में अवॉइड करिएगा ये चीज़ करने, गंगा नदी के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं गाइस। तो गाइस जो आप ये बेंच देख रहे हो ना गाइस, ये 70 kg प्लास्टिक से बना गई, जो कि वेस्ट जो हम घरों से बाहर फेंकते हैं। और काफ़ी इस मेरिन ड्राइव में मैंने इस टाइप के बेंच देखे हैं। ये देखिए आगे और ये बगल में भी, इसमें लिखा भी हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, जिसके अंडर में भी ये आता है, नगर पालिका या जो भी इसका देख रेख करते हैं गाइस। तो प्लास्टिक रिसाइकल भी हो गया और लोगों के लिए सुविधा भी होगी बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत से टूरिस्ट आते हैं। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहे हो क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं गाइस। तो मेरा दिल खुश हो गया ये चीज़ देख के, जो प्लास्टिक हम घरों से बाहर फेंकते हैं उनको हमारे नगर पालिका या फिर जितने भी एजेंसी हैं उनको कलेक्ट करके ऐसे प्यारे प्यारे बेंच बनाते हैं लोगों की सुविधा के लिए गाइस। तो ये चीज़ ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कभी ऋषिकेश नहीं आए हुए और जिन्होंने ये ऐसा कुछ नहीं देखा। तो गाइस चलते हैं हम घर की ओर। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय।